हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और मैंने दिन से कुछ बनाया नहीं है। दिन से क्या, काम से थोड़ा बाहर गई थी तो मैं अभी बना ही नहीं हूँ कुछ। और हाँ, मैंने कंप्यूटर के वो इंटरव्यू के बारे में बताया था ना कि मैं कंपनी जाऊँगी, तो अभी नहीं हुआ है। अभी मैं गई नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया इस वजह से नहीं गई, बट कल बुलाया है फिर से, तो कल जाऊंगी। तो आज पूरे दिन थोड़ा कुछ काम था, इस वजह से मैं बाहर थी, तो मैं खाना वाना नहीं बना पाई और ना ही खाई हूँ। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना मैं क्या बनाऊँगी, खाना मैं आज मैं बनाऊँगी पराठा। ऐसे बनाना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर, बन जाता है जैसा भी, मेरे लायक तो बन जाता है ना, है कि जो मन नहीं खाने का वो चीज़ पूरा हो जाए ना। तो मैं जा रही बनाने, तो कैसे बनाती हूँ आप लोग देखिए, और मेरे कंजूमर हमारे इस ब्लॉग में देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। आता नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ। तो ये आलू मैंने पहले उबाल के रख दिया था, उबालने के लिए छोड़ दी थी। अभी आलू अच्छे से उबल गई है, उबल गई है ना, लग तो रहा है उबल गया। उसका आलू छील लेती हूँ। छोटी सी छोटी बड़ी थी आलू, बड़ी थी थोड़ी, मीडियम साइज की वो आलू मैंने एक जने के लिए कितना चाहिए, थोड़ा ही चाहिए होता है, तो मैंने थोड़ा ही आलू, एक ही आलू उबाली, क्योंकि वैसे वेस्ट करना सही नहीं है ना, इस वजह से मैं जितना खाऊँगी उतना ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से मैंने काफ़ी, अभी गर्मी है फिर भी मैं खा रही हूँ बना के, थोड़ा मन था कि चलो ठीक है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बना लेती, तो मैं सोची क्यों ना अभी ही बना लूँ। तो मैंने देखा आलू है रूम पे, तो क्यों ना बना लिया जाए। तो मैं फिर स्टार्ट ही कर दी, मैंने ये उबालने के लिए छोड़ दिया, अब उबल गई तो मैं इसको छील ले रही हूँ अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे गंदा कर दिया, इसको थोड़ा कर लेती हूँ साफ। बस अभी मैंने सारी किचन साफ करी थी, तो नमक डाल दूंगी और थोड़ी मसाले डाल दूंगी, थोड़ा और शायद आप लोग देखिएगा ना, बड़ा वो हंसी भी आएगा और मज़े भी आएंगे। मैं कैसे बनाती हूँ, मेरे से ना गुस्सा ही मिलाता नहीं है, मैं उल्टा सीधा बना देती हूँ, बट हाँ इतना है कि खाने लायक बन जाती है और अजीब समझ में नहीं आता, तो क्या करूँ, मन भी है और सीख रही हूँ अभी, जल्दी में खाती नहीं है। तो बताइए, मैं झारखंड से, तो वहाँ पे सब खाते हैं रोटी वोटी, इतना नहीं, मैं हमेशा से चावल ही खाती थी, बट यहाँ धीरे धीरे मैं रोटी खाना सीख गई हूँ, तो अब रोटी भी खाने लगी हूँ। तो कभी कभी तो पहले मेरे को तो रोटी बनाने की थी, रोटी मैं सीख गई हूँ, उसमें डालती थी थोड़ी नमक, हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और क्या।
हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर सॉरी, थोड़ा ऐसे ही गरम किया। हाथ से ऐसे कर दे रही, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाते हैं। ये गाना कितना अच्छा है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा स्टफिंग हो गया तैयार। अब मैं थोड़ा आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा मैंने नहीं लगाया है, थोड़ा ही लगाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं। तभी आटा लगा लेना चाहिए, नहीं लगाई, थोड़ा ही थोड़ा ही ज़्यादा हो जाएगा। पता नहीं थोड़ा बुखार बुखार सा लग रहा है, दो बार मैंने नहा लिया और सुबह से कुछ खाई नहीं। Thank you.
मैंने तेल तो निकाला ही नहीं। ये एक पैन तो मैं यहाँ पे नाल दूँ, अब थोड़ा इसको फैला देती हूँ। ज़्यादा गर्म हो गया लगता है, अब मैं डाल देती हूँ ऐसे। अब यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ। मतलब ये मेरे को सबसे अच्छी लगता है और बन जाता है। वैसे मेरे से नहीं बनता, मतलब लाता ही नहीं है, मतलब फट जाते हैं, ऐसे हो जाता है। वैसे तो मैं बेल भी लेती हूँ, थोड़ा इसमें आटा डाल के ज़्यादा मोटा हो गया ऐसे, और छोटा कर देता। नहीं मैं दिन में आ सकती हूँ, रात में नहीं आ सकती। इसके बराबर ही बेल लेती है दोनों एक जैसे, और मैं भर लेती हूँ। दोस्तों लग रही थी मेरे रोटी बन के तैयार होने वाली, और मैं बना रही थी रोटी।
हमारे परांठे हमने क्या नहीं खाई है, हमने दूसरी वाली डाल देते हैं। जिसको नहीं आता है वो ऐसे भी बना के खा सकता है, ऐसे तो दिक्कत नहीं होती। मैं चाहती हूँ कुछ मेरे जैसे लोग भी होंगे जिसको आता ही नहीं है, उन लोगों को ये है कि आप ऐसे बना सकते हैं आराम से। लाइट भी चली गई, लाइट भी कट गई है बिल्कुल। मेरा एक लास्ट बचा था, ज़्यादा मैं चाह रही हूँ नहीं, वो लाइट कट गई है अभी, बहुत गर्मी लगने लगी। अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत खाई हूँ कुछ तो भूख लग रही है। तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।